देखा होगा कि आपके अंगूठे के स्पोर पर कई सारी आड़ी तिरछी लकीरें खींची होंगी। ये लकीरें अगर आप गौर कर रहे होंगे शुरुआत से अपनी हथेली पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले लकीरें या तो नहीं थी या बहुत मध्यम थी, यानी कि बहुत हल्की सी लकीर, एक आध, बमुश्किल एक या डेढ़ लकीरें आपको दिख रही थी। लेकिन जो जो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही है, जो जो आपकी उम्र बढ़ रही है, ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर विकास कर रही है और रेखाएं आपस में संबंध बना के एक पूर्ण रेखा की स्थिति यहाँ पर पैदा करती चली जा रही है और कई सारी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर आ गई होगी। लेकिन जैसे जैसे रेखा आई है, अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा, वैसे वैसे आपके जीवन में परेशानियों का भी आना शुरू हो गया है। आपका जीवन अब पहले के मुकाबले ज़्यादा कठिन होता चला जा रहा है। परिस्थितियों पर आपकी पकड़ पहले के मुकाबले अब काफ़ी कमज़ोर होती चली जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी विकार पहले के मुकाबले अब बहुत तेज़ी के साथ आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों पर जो आप खुश हो जाते थे, अब बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपके चेहरे पर बस फीकी मुस्कान आपके होठों पर लेके आ पाती हैं। आप परिस्थितियों में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से ज़िंदगी ने आपकी लेनी शुरू कर दी है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है, आपके जीवन में कुछ खास चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाती है, जैसे कुछ ऐसे उलझे सवाल जिनको आप कभी नहीं सुलझा पाएंगे। ऐसी स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाती है, कुछ बिना किए कराए कि ऐसी समस्याएं आपके जीवन में जिसका कोई हल आपको वहां पर नज़र नहीं आ रहा होता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसे विकार जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि कहीं कुछ भी टेस्ट में भी आपके लिए आनी वहां पर मुश्किल हो जाती है कि आपके साथ चीज़ें चल क्या रही हैं। कई दफ़े आलस्य इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि आपके लिए एक छोटा भी काम करना एक बड़े समंदर पार करने की जैसी स्थिति को आपको दिखाने का कार्य करता है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन की जैसी स्थिति भी आपके जीवन में लगातार बना के रखने का कार्य करता है। अगर आपकी ग्रह स्थिति परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, रेखाएँ काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसका प्रभाव वहाँ पर बहुत कम होगा, लेकिन होगा निश्चित, कहीं ना कहीं आपके साथ साथ रन कर रहा होगा। चूंकि परिस्थितियाँ अच्छी होंगी उस समय आपको इसका दर्द नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही, क्योंकि सबकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा होगी, जैसे ही फलाना कमज़ोर होगा ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा और उस समय आपको दर्द दिखाई देगी। जैसे दिन में बहुत सारी आवाज़ होती है ना, आपको सुनाई नहीं देती है उतनी ज़्यादा, लेकिन रात में एक छोटा सा कीड़ा भी बोलता है ना तो स्पष्ट सुनाई देता है और लगता है बाहर कुछ बड़ा आवाज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हम बिल्कुल शांत हो चुके होते हैं। दिन में आपको दर्द का आभास नहीं होता, रात में जब आप सोते हैं तो आपको दर्द का ज़्यादा आभास होता है, क्योंकि आपकी इंद्रिय, आपका मन चारों तरफ से समेट चुके हैं आप, और वो आपके शरीर पर केंद्रित है या किसी खास विषय पर केंद्रित है, तो सिर्फ वही चीज़ें आपको महसूस होंगी। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ की स्थिति हो जाती है। जैसे ही ये कमज़ोर होंगे, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये दिखाना शुरू कर देंगे। हालांकि इनमें क्या होता है कि ये मुख्यतः जो होते हैं पूरे जीवन, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, रेखाएँ काटी है, एक्टिव है, तो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे, लेकिन एक छोटे छोटे टाइम तक करते हैं, ये लगातार आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य नहीं करते हैं। कई दफ़े 2 दिन रहेंगे, कई दफ़े 6 दिन रहेंगे, कई दिन हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसे रहेंगे, फिर 2-3 हफ्ते के लिए गायब हो जाएंगे, फिर 4 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, एकाएक आ जाएंगे, खुशी खुशी में आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे आ गए। तो ऐसी परिस्थिति को पैदा करने का कार्य करते हैं। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत होना चाहिए और अपनी मानसिक स्थिति को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक तौर पे आपको कई दफ़े इतनी बाधा दे देता है, इस तरीके से बिगाड़ देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप किसी प्रकार के फैसले लेने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, साधना वगैरह, तंत्र क्रिया, इन चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को देखना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये है बहुत छोटी चीज़ लेकिन इसका काम है बहुत बड़ा। इनफैक्ट की एक इंडिकेशन है आपके जीवन में हो रही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, तो उनके बारे में आप यहाँ से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। इसके अलावा सूर्य की स्थिति अगर यहाँ पर मजबूत हो तो इसका प्रभाव जीवन भर कम करके रखेगा, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से कमज़ोर हो जाता है तो बार बार इन्हें मौका मिलेगा उछलने का, और जब जब उछलेंगे आपके कलेजे पर ही उछलेंगे और कोई उपाय होता नहीं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।